गाइस, मैं जस्ट अभी अवेंजर्स के पास से आया हूँ और अंदर से मुझे पिंचैन के रोने की आवाज आ रही है। री तुझे क्या हो गया सिंचैन जी? भाई साहब, मेरा सिंचैन को क्या हो गया? क्या हो गया सिंचैन को? ये लोग क्या बोल रहे हैं? सिंचैन, पिंचैन, चॉप, तुम लोग कहाँ पर हो? री प्लीज, फ्रिकली भैया देखिए, सिंचैन कुछ बोलता ही नहीं है। फ्रिकली भैया इसकी उठा ही नहीं। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? चॉप, पिंचैन, अब ये सिंचैन को क्या हो गया? इसको उठाओ। सिंचैन, सिंचैन, तुझे क्या हो गया? पिंचैन, मेरी बात सुन, इधर आ जल्दी से, मेरे को बताएगा ये सिंचैन उठ क्यों नहीं रहा है। अबे तुम लोग कोई प्रैंक प्रैंक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? भाई साहब, वो प्रैंक लेने या कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे अरे, सिंचैन सिंचैन नहीं उठ रहा है फ्रेंकली भैया, इसको उठा ही नहीं, मेरे को बहुत डर लग रही है। लेकिन हुआ क्या गाइस? यार जल्दी लाइक बटन दबाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये वो क्या रहा है। क्या पता सिंचैन उठ जाए। अरे बाप रे, काफी थक गया आज तो। हाँ एक मिनट, ये क्या आज तो बड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है। एक मिनट, लेकिन मैं फ्रेंकली भैया के बेड में, हाँ मेरी बॉडी उधर क्या करिए फ्रेंकली भैया। अरे सिंचैन टूटता क्यों नहीं है यार? हाँ मैं तो उठ गया। एक मिनट गाइस, मैं शीशे में क्यों नहीं दिख रहा हूँ? अरे बाप रे, शायद मैं छोटा हूँ इसलिए नहीं दिख रहा, ऊपर चढ़ के देखना पड़ेगा। अरे बाप रे, नहीं फ्रेंकली भैया, ये क्या हो गया मुझे? मैं शीशे में दिख क्यों नहीं रहा? ओ नो, फ्रेंकली भैया आप मुझे देख नहीं पाएगा। सिंचैन, मुझे तेरी आवाज आ रही है लेकिन तू दिखता क्यों नहीं है? सिंचैन, मुझे तेरी याद आ रही है। आ जाइए फ्रेंकली भैया। भाई साहब, आ तो गया ये, मतलब यही आ जाइए। क्यों देंगे? आ जाइए, हिम्मत दीजिए, कूद के दिखाइए। मैं सच में कूद जाऊंगा, तुम लोग मेरे को चैलेंज मत करो लिटरली में। गाइस आज तो इनको दिखाता है। अरे ये कैसा कूदना हुआ? आप तो फर्जी तरीके से कूदे। हाँ मिल जाए कूदते तो मजा आता। सिंचैन प्लीज उठ जा। गाइस सिंचैन उठ नहीं रहा है, कोई प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्या पता सिंचैन ठीक हो जाए। गाइस मुझे जल्दी से अवेंजर्स को बुलाना पड़ेगा। सिंचैन एक मिनट, मुझे सिंचैन की आवाज आ रही है। फ्रैंकलिन भैया, मैं आपके पास ही हूँ, मुझे क्या हो गया, मुझे ठीक कीजिए, मैं अपनी बॉडी से बाहर कैसे आ गया? गाइस ये लोग मेरी आवाज तो सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं, और मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है? मैं ऊपर जाता हूँ, अरे बाप रे मैं चढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? दोस्तों कोई प्लीज मेरे लिए वीडियो लाइक करो। क्या गाइस आप भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मुझे देख नहीं पा रहे हैं क्या? अगर आप मुझे देख सकते हो तो प्लीज कॉमेंट में यस लिखो। अरे कहीं मैं मर तो नहीं गया, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से कूदना होगा। अरे मुझे तो दर्द ही नहीं हुआ कूदने के बाद, लगता है गाइस मैं मर चुका हूँ। सिंचैन, सिंचैन तू बाहर है क्या? गाइस अगर आप सभी को सिंचैन दिख रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखना, मुझे तो नहीं दिख रहा है। गाइस मैं अवेंजर्स को कॉल लगाता हूँ। हाँ फ्रैंकलिन भैया जल्दी से अवेंजर्स को बुलाओ। क्या हो गया? क्या हो गया फ्रैंकलिन, अभी तो तू हमारे पास से गया, सब ठीक है? अरे कुछ भी ठीक नहीं है गाइस, जल्दी घर आ जाओ। सिंचैन, सिंचैन को कुछ हो गया? एक मिनट, हम आ रहे हैं पूरी स्पीड में आ रहे हैं। अरे बाप रे, क्या हो गया हमारे सिंचैन को? मेरा बच्चा सिंचैन, उसको कहीं कुछ हो रहा गया हो, मैं अपने जादू से उसे ठीक कर दूंगा। फिलहाल गाइस चुप रहो, पैनिक मत हो, मुझे तो यार बहुत डर लग रहा है। फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा रो रहा था और उसने ठीक से तो कुछ समझा नहीं। अरे बाप रे, आराम से चलना पड़ेगा। फ्रैंकलिन की कार शायद अंदर पार्क है, कोई बात नहीं मैं यहीं खड़ी कर देता हूँ। ये गाइस जल्दी आओ, हमारे पास टाइम नहीं है। दोस्तों क्या हुआ होगा हमारे सिंचैन को, आप लोग कमेंट में बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिंचैन, पिंचैन, कहाँ हो तुम लोग? अरे ये है मैं। आवाज तो आ रही है सिंचैन की। फ्रैंकलिन, सिंचैन की आवाज तो आ रही है लेकिन सिंचैन कहाँ पर है? एक मिनट, वो बेड पर सो रहा है क्या? नहीं सो रहा है वो कुछ नहीं बोल रहा है। हल्क, हल्क इसको उठाएगा, हल्क यहाँ पर बर्गर इसको खिलाएगा और उठाएगा। अरे बाप रे, कोई बताओ ये सिंचैन उठता क्यों नहीं है? गाइस सिंचैन हमारे आसपास ही है, आप उसकी आवाज सुन सकते हो लेकिन देख नहीं सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसको हुआ क्या है। बिल्कुल, प्लीज मुझे ठीक कर दो, मैं अपनी बॉडी में कैसे जाऊँ? अरे बाप रे, लगता है ये कोई किसी तरह की बीमारी है, जरूर कुछ तो सिंचैन की बॉडी में गड़बड़ हुई है। बच्चे सिंचैन एक काम कर, अपनी बॉडी बता कहाँ पर है। अरे मेरी बॉडी बेड पर रखी है फ्रेंकी भैया के। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं जाकर सिंचैन की बॉडी लेकर आता हूँ, उसके बाद चेकअप स्टार्ट करता हूँ। हल्क, हल्क चेकअप स्टार्ट करेगा। अरे चुप कर, बिल्कुल भी मजाक का समय नहीं है। बिल्कुल गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज सिंचैन को ठीक करो। ये गाइस मैं मर गया क्या? मैं मर नहीं सकता। नहीं बच्चे सिंचैन तू मरा नहीं है, मरा होता तो हम तेरी आवाज नहीं सुन सकते थे। अबराकडाबरा, अरे बाप रे सिंचैन के पेट में तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है बेटा। फ्रैंकलिन तुझे इसके अंदर जाना होगा। क्या मैं सिंचैन के पेट के अंदर जा सकता हूँ? बिल्कुल, तेरे पास लिमिटेड समय होगा, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में तूने सिंचैन के पेट के अंदर की गड़बड़ ठीक नहीं की तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा। ओ नो गाइस, ये क्या, मैं सिंचैन के पेट के अंदर आ गया हूँ और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है, मुझे 10 मिनट में सब कुछ ठीक करना होगा। गाइस देखिए यहाँ पर कितना गंदा मौसम हो रहा है यार, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर खतरनाक सुनामी आई हो। खैर कोई नहीं, जल्दी जल्दी से मैं अपने घर पे जाता हूँ। गाइस सिंचैन के पेट के अंदर घर है लिटरली में। और एक मिनट गाइस, ये मेरा घर बंद क्यों पड़ा है? ओ माय गॉड, मेरे गैराज में इतना बड़ा कंटेनर
गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था सिंचन के पेट के अंदर चीजें गड़बड़ हुई पड़ी है। कहने का मतलब मुझे शायद यहाँ के इस कंटेनर को यहाँ से हटाना पड़ेगा जिससे कि मैं अंदर जा सकूँ। गाइस, दोनों डोर ब्लॉक पड़े हैं यार, मैं कहाँ से जाऊँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पर मेरी कार और बाइक भी पार्क होनी चाहिए थी। ओ माई गॉड गाइस, अभी आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ मैं मेरी बाइक ऊपर क्या कर रही है लिटरली में। गाइस, सबसे पहले तो मुझे अपनी बाइक को यहाँ से हटाकर नीचे पार्क करना पड़ेगा। जल्दी बैठता हूँ। अरे वाह गाइस, मैंने बाइक स्टार्ट कर लिया है। मेरे पास लिटरली में अभी सिर्फ 8 मिनट और 50 सेकंड भी नहीं बचे ठीक से। मेरे को जल्दी करना पड़ेगा, मुझे सिंचन को जिंदा करना होगा। गाइस, यहाँ पर जल्दी से यहाँ पे बाइक लगा देता हूँ। बिल्कुल गाइस नहीं, इस तरह से नहीं, मेरी बाइक इस तरह से लगी होती थी। मुझे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बाइक को पार्क करना होगा। वाह गाइस, मैंने यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है, लेकिन मेरे पास समय भी बहुत ही कम है, इसलिए मेरे को एक कंटेनर हटाने के पहले घर के अंदर जाता हूँ, देखता हूँ घर के अंदर क्या क्या गड़बड़ है। एक मिनट गाइस, सिंचन हमेशा खाने के बारे में सोचता है क्या? मैं अभी आपको जो दिखाने जा रहा हूँ शायद आप शॉक हो जाएं। अभी रुकिए, अरे बाप रे, यहाँ जाता हूँ। एक मिनट गाइस, उधर क्या है? अरे भाई, मेरे पड़ोसी के घर पे मेरी कार का ये हाल। ओ नो गाइस, मुझे सब देखकर बहुत दर्द हो रहा है, सिंचन के पेट के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़। इतना ही नहीं गाइस, शायद सिंचन ने ज्यादा बर्गर और उल्टा सीधा फास्ट फूड खा लिया होगा, उस वजह से सिंचन की बीमारी लग गई। गाइस एक मिनट, यहाँ पर ये देखिए, सिंचन के पेट के अंदर जो चौप का घर है वो पत्थर से पूरी तरह से ढका पड़ा है, और गाइस इतने बड़े बड़े कंटेनर्स और बर्गर्स हैं। गाइस, इन सभी बेकार फूड्स को, जंक फूड्स को मैं हटाना पड़ेगा। इतना ही नहीं गाइस, इसी बेड पर मेरा सिंचन बीमारी की वजह से उठ नहीं पा रहा है, और गाइस उस बेड में आग लगी है। क्या मेरे वार्डरोब भी जाल से बंद है? ओ नो गाइस, और कितनी गड़बड़ है। एक मिनट गाइस, मैं ऊपर भी नहीं जा सकता, यहाँ पर भी जाल लगा हुआ है। ये सभी परेशानियों को मुझे अब 7 मिनट में ठीक करना होगा। यार मैं अकेले कर भी पाऊंगा नहीं। गाइस मुझे मदद चाहिए, कॉमेंट में जल्दी से एवेंजर्स हेल्प लिखो, क्या पता कोई एवेंजर आ जाए मेरी मदद करने के लिए। क्योंकि एक मिनट गाइस, मेरे पूल के अंदर मुझे कुछ दिख रहा है, लगता है गाइस पूल के अंदर कुछ तो है, जल्दी नीचे जाता हूँ। अरे भाई, इसके नीचे गाइस एक कार है, मैं आप सभी को दिखाता हूँ, रुकिए देखिए गाइस, वो तो मेरे पड़ोसी की कार है। यार मेरे पड़ोसी कार इधर क्या कर रही है? मेरे को शायद इस कार को यहाँ से निकाल कर मेरे पड़ोसी के घर पे पार्क करना होगा, जिससे कि शायद सिंचन का पेट ठीक होना स्टार्ट हो जाए, ये ज्यादा सही रहेगा। लेकिन गाइस इतने सारे काम मैं कैसे करूँ, मेरे पास अब सिर्फ 6.5 मिनट बची है। बाप रे, फ्रैंकलिन भैया अभी तक आए क्यों नहीं? अरे कच्चे, उसको टाइम लग जाएगा, अब तू भी जा। ठीक है, मैं भी जाता हूँ, मैं खुद के पेट की परेशानी खुद ही करूंगा। अरे बाप रे, ये क्या गाइस, यहाँ पर तो सिर्फ 6.5 मिनट बचे हैं। ओह नो, मेरे पेट के अंदर इतने बड़े बड़े बर्गर, लगता है इन्हीं वजह से मुझे परेशानी होगी। मुझे ज्यादा उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए था, मेरे अंदर क्या बीमारी होगी। गाइस, हमें हर चीज लिमिट में करनी चाहिए, वरना दिक्कत हो जाती है। सुनचन भाई, तू यहाँ पर कैसे आ गया और तू मुझे दिख कैसे रहा है? अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, मैं आपको देख पा रहा हूँ और आप भी मुझे देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन हमें इस दिक्कत को दूर करना होगा। बिल्कुल, तू जल्दी जा और बेड की आग को बुझा ले। अरे बाप रे, इतनी खतरनाक आग, इसको कैसे बुझाऊं? उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, वो तो मेरे पास है नहीं। लेकिन हाँ, वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन से मैं सामने वाले जाल को काट सकता हूँ। गाइस यहाँ पर देखिए, सिंचन तो लग गया। अच्छा हुआ यार सिंचन तू आ गया, मैं तेरे को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। गाइस, हम सिंचन के पेट के अंदर हुई गड़बड़ को और बीमारियों को ठीक करेंगे। सबसे पहले मिस के पूल के अंदर जो गाइस ये कार है, मुझे इसको बाहर निकाल के पड़ोसी घर पे पहुंचाना होगा। अरे बाप रे गाइस, हो गए, ये कार तो मैंने निकाल दिया है। गाइस अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, कम ऑन। ऑलराइट गाइस, कार तो पूल से बाहर निकल गई, अब मैं इसको अपने पड़ोसी घर पे पार्क करके आ जाता हूं। मैं भैया जल्दी कीजिए, मैं यहां पर काम कर रहा हूं। बिल्कुल भाई, मैं भी कर रहा हूं, तो चिंता मत कर, हम तुझे बचा लेंगे। ऑलराइट गाइस, यहां पर देखिए मैंने कार निकाल लिया है, कम ऑन भाई, जल्दी। अरे बाप रे, एक तो इतनी सारी परेशानियां है, मैं तो लिटरली मैं पैनिक हुआ जा रहा हूं। अभी तो चौप के घर का पत्थर भी हटाना है। ये गाइस, अरे बाप रे, बहुत मेहनत लगे, ये इधर से करता हूं, बहुत बढ़िया। गाइस फाइनली हमने यहां पर अपने घर से, मतलब सिंचन के पेट वाले घर से इस कार को निकाल लिया है और पड़ोसी के इधर लाके लगा दिया है। अरे, बहुत बढ़िया गाइस, इस कार को तो मैंने यहां पे अभी फिट कर दिया, लेकिन अभी मुझे मेरी कार को भी रिपेयर करना होगा पूरी तरह से। गाइस ये जली पड़ी है, आइडिया, मैं काम करता हूं, सारे के सारे टूल्स का इस्तेमाल करके कार को रिपेयर करता हूं। फाइनली गाइस, यहां पर अभी 4:30 मिनट बचे हैं और मैंने 2 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। अभी कार को मुझे जल्दी से अपने घर पे लगाना होगा। ओह नो, मेरे टायर्स भी खराब है, मुझे टायर्स यहाँ पे रिपेयर करने होंगे। कम ऑन, मैं कर सकता हूँ, कम ऑन। ओह नो गाइस, ये टायर्स ऐसे काम नहीं करेंगे। वाह गाइस, देखिए टायर रिपेयर हो गए, क्या बात है, अच्छा ही हुआ। चलो अब जल्दी लेके चलता हूँ। गाइस अभी सिर्फ 4 मिनट है, उम्मीद करता हूँ सिंचन ने अंदर के जितने भी जाल हैं उनको काट लिया होगा, और बाकी अपनी कार को मैं जहाँ पर मेरी बाइक पार्क होती है हमेशा की तरह वहीं पर पार्क कर लेता हूँ। अरे बाप रे, नहीं, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, हो जाना, और ये रास्ता बहुत छोटा है। गाइस मुझे अपनी कार को बाहर निकालने के लिए एक रैंप बनानी होगी यहाँ से। आइडिया, मेरे घर पर जो मेरे मेन डोर को कंटेनर्स ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों ना गाइस मैं उन कंटेनर्स को इस्तेमाल करके यहाँ पे रैंप बना लूं। उसके लिए मुझे एक ड्रिल मशीन चाहिएगी, ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके मैं
मैं कंटेनर को बाहर निकालूंगा। कमोन 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 गाइस, सिर्फ 3.5 मिनट बचे हैं यार। गाइस हम कर सकते हैं, आप लोग प्लीज एक बार कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी जरूर लिखना। मैं यहाँ पर अपने सिंचैन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सभी चाहते हैं मैं यहाँ पे सिंचैन को बचा लूँ तो फ्रैंकलिन ओपी जरूर लिखिए। बाकी गाइस देखिए, मैंने कंटेनर लगा दिया एकदम बढ़िया जगह। अभी उम्मीद करता हूँ मेरी कार कंटेनर से एकदम उछल के ऊपर चली जाएगी। अरे बाप रे, आराम से। ऑलराइट गाइस, मैंने रैंप सही तरह से बना लिया। कमोन कमोन, वाह वाह वाह, अरे बाप रे, कमोन कमोन, यस गाइस फाइनली मैंने कार को बाहर निकाल लिया। अभी मेरे को कार गैराज में खड़ी करनी है, लेकिन मेरे गैराज का गाइस अंदर का जो डोर है शायद वो भी ब्लॉक पड़ा है, पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा। बढ़िया गाइस, कंटेनर हटने की वजह से यहाँ का गैराज का डोर भी अच्छे से खुल गया और मेरी कार भी अच्छे से पार्क हो गई, बहुत बढ़िया। अभी गाइस यहाँ पे हमने कंटेनर भी हटा लिया, पड़ोसी की कार को उसके घर पहुंचा दिया, अपनी कार भी वापस लिया, बाइक भी ठीक कर ली। और ये क्या गाइस, अभी तो बहुत सारे कंटेनर, अरे अभी तो मेरे बेड में आग लगी है। फ्रैंकलिन भैया देखिए, मैंने यहाँ पर जाल काट दिया है, अब क्या रह गया है? अरे अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए, आप इस गन का इस्तेमाल करके सारे के सारे बर्गर्स को यहाँ से भगा सकते हैं। हाँ गाइस, बहुत सही गन है यार ये तो। अभी ना गाइस, इस गन का इस्तेमाल करके मैं सबसे पहले इस कंटेनर को हटाता हूँ। वाह गाइस, एक कंटेनर हट गया। गाइस हम कर सकते हैं, अभी 2 मिनट है, मुझे 2 मिनट में सिंचन के पेट की खराबी को सब कुछ ठीक करना होगा। वाह, मैंने 2 कंटेनर हटा, हटो यहाँ से सबके सब बर्गर्स, मेरे भाई का पीछा छोड़ो। गाइस ये क्या बात है, क्या बात है गाइस, कर रहा हूँ। एनी वे फ्रैंकलिन भैया जल्दी कीजिए, हमारे पास बहुत कम समय है। कर रहा हूँ मेरे भाई, जल्दी कर रहा हूँ। ये ले, ओ नो सिंचन, तू फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढ। हमारे पास कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। ऐसा मत बोल भाई यार, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। गाइस यार ये पत्थर भी तो हटाने हैं। अट यहाँ से, मैं यहाँ पे बॉम्ब लगा रहा हूँ। गाइस ये बॉम्ब ना जरूर पत्थर को फाड़ देंगे। ऑलराइट गाइस, मैंने काफी बॉम्ब फिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है अभी ब्लास्ट होने वाला है। फ्रैंकलिन भैया दूर हट जाइए, आपकी चोट लगेगी। बिल्कुल, अरे बाप रे कितना बड़ा ब्लास्ट है। अरे भाई मैं तो डर गया था गाइस। खैर कोई नहीं, अभी मेरे को जल्दी जाके देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वो पत्थर फट चुके होंगे। जल्दी से चलता हूँ, ये चेक करना पड़ेगा गाइस। 1 मिनट, नो, ये क्या गाइस, अभी सिर्फ 1 मिनट बचा है और मैं पत्थर तक नहीं पाया। फ्रैंकलिन भैया मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है। नहीं सिंचन तू ऐसा मत बोल। गाइस ये क्या हो रहा है, गाइस मुझे सिंचन की बहुत याद आ रही है। सिंचन आई मिस यू सो मच मेरे भाई, तू ऐसा मत बोल, मैं तुझे ठीक करके रहूंगा। वाह गाइस देखिए, हमने दूसरी बार ट्राई करके चौप का घर ठीक कर दिया, पत्थर भी हटा दिए। अभी अभी घर में लगी बेड पर जो आग है उसको बुझाना होगा, मुझे फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। कमोन मैं कर सकता हूँ। 1 मिनट, ये क्या, एक और कंटेनर, नो यार मैंने देखा कि नहीं था पहले। गाइस मुझे इसको भी हटाना पड़ेगा, जल्दी से ड्रिल मशीन लाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया मैं मर रहा हूँ। नहीं सिंचन आई मिस यू सो मच। गाइस सिंचन की मुझे याद आ रही है, आप भी याद करते हो ना सिंचन को, तो कमेंट में यस लिखो या फिर आई मिस यू सो मच लिखो। नो गाइस हमारे पास बहुत कम टाइम है, गॉड से प्लीज प्रे करो कि हमें टाइम मिल जाए और सिंचन को बचा सके। फ्रैंकलिन भैया सॉरी, मैं जा रहा हूँ। नो गाइस कमेंट में जल्दी पार्ट 2 लिखो, पार्ट 2 में हमें टाइम बाय करके अपने सिंचन को बचाना होगा, प्लीज जल्दी लिखो।